एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्काइन. ओके, एल्काइन के ऊपर हम वाटर का एडिशन करने वाले हैं. और देखिए प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है. सो यहाँ पे लेते हैं एल्काइन डैट इज प्रोपाइन, डैट इज CH3 CCH. सो ये क्या है, प्रोपाइन है. यहाँ पर मैं एडिशन करवाऊँगी वाटर का, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4. ओके, सो यहाँ पे देखिए H को मैं ऐसे लिख सकती हूँ OH एंड H. यस, तो यहाँ पे जो भी आपका H एंड OH, ठीक है, H क्या होता है, ये पॉजिटिव पार्ट रहता है और ये नेगेटिव. यस, तो यहाँ पे मार्कोवनिकोव रूल देखिए क्या होता है, जो भी आपका नेगेटिव पार्ट होता है वो कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर, मतलब जहाँ पर भी आपका ट्रिपल बॉन्ड है उस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम हो या फिर हो ही ना, तो OH यहाँ पर जाएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन के पास. ठीक है, दो ग्रुप ऐड हुए हैं तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड में हो जाएगा. ठीक है, तो इसको मैं लिख देती हूँ CH3C डबल बॉन्ड सी एंड एच, यहाँ पर ऐड होगा आपका OH और यर एच. ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा. यस, और जो आपका एक ये हाइड्रोजन है ये चला जाएगा यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या फॉर्म होगा. सो यहाँ पे क्या हुआ है, टॉटोमराइजेशन क्या हुआ, टॉटोमेरिज्म. ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, क्या फॉर्म हुआ, देखिए CH3C यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड. ओके, यहाँ पे सी एज इट इज लिखा है मैंने, यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पर आया तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन. ठीक है, इस ऑक्सीजन में एक हाइड्रोजन था तो वो हाइड्रोजन चला गया इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3. ओके, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, टॉटोमराइजेशन मतलब गिव एंड टेक रिलेशनशिप. इसने अपना बॉन्ड एक इसको दिया तो इसने भी एक हाइड्रोजन दिया है इस वाले कार्बन को. ठीक है, तो ये रहेगा आपका इनोल फॉर्म, दिस इज योर इनोल फॉर्म. ओके, ओ एल क्या होता है आपका एल्कोहल, तो दिस इज इनोल फॉर्म एंड दिस इज कीटो फॉर्म.